तो जनाब ये सफ़र स्टार्ट होता है एक फ़ोन कॉल पे। भाई की कॉल आती है और वो कहते हैं मानसेरा शादी में जाना है। तो बस इधर फ़ोन कॉल कट होती है और फैमिली तैयार होती है अपने बैग पैक करके। अब इतनी जल्दी जाहिर सी बात है ट्रेन के जहाज़ का टिकट तो मिल नहीं रहा था, तो हमने फैसला किया बस पे जाना है। और फिर यहाँ से शुरू होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 4 घंटे के अंदर किसी भी बस का टिकट हासिल करना पूरी फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल काम था। बिला आखिर मुझे फैसल मुकर में पूरी फैमिली के टिकट मिल ही गया और इस तरह मैं पहुंचा इस्लामाबाद। बस का सफ़र करने के बाद फैसला किया कि इस्लामाबाद रात में ही गुजारी जाए और फिर अगली सुबह आगे का सफ़र तय किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, तो मैं अभी मौजूद हूँ इस्लामाबाद में और बालाकोट जा रहा हूँ और बालाकोट पहले स्टे करेंगे उसके बाद फिर आगे का प्लान बताएंगे। तो अभी इस्लामाबाद से निकलता हूँ बाय रोड और बालाकोट के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बालाकोट क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि शादी में एक दिन टाइम मौजूद था तो मैंने सोचा कि 24 घंटे जो हैं वो बालाकोट में गुजारे जाएं। बालाकोट डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में ही आता है जो कि 1 से 1.5 घंटे के फासले पर। और बालाकोट में इंटर होते ही बारिश तेज़ हो चुकी थी, तो ज़ाहिर है बारिश तेज़ हो और बारिश के मज़े न लिए जाएं ये कैसे हो सकता है। तो मैंने गाड़ी रोकी और भुट्टे खाए। और अगले 24 घंटे हम बालाकोट में ही गुजारेंगे और देखेंगे 24 घंटे हमारे कैसे गुजरते हैं बालाकोट में। और बालाकोट जो है ये आप जानते हो कि कितनी खूबसूरत जगह है, बालाकोट से जो है वो सब भी जानते हैं बालाकोट कैसा है और आगे के उसके बाद जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ की वीडियो बनाएंगे ताकि आगे का भी आपको मनाजर समझ में आता रहे कि कैसा है और किस तरीके का है। ठीक है, तो साथ साथ रहें इंशाल्लाह। आप देख सकते हो पीछे मनाजिर, माशाल्लाह से कितना हसीन नज़ारा है। पहाड़ों में से होते हुए ये सामने एक पुल आपको दिखेगा, ये देखिए ये सामने एक जो पुल दिख रहा है इस पुल से क्रॉसिंग करते हैं। और ये देखिए ये वो होटल है पीछे जहाँ पे मौजूद था इस वक्त, ये वो होटल है और वहाँ से ये रास्ता आता है और ये नीचे पानी। और नाइट बालाकोट में गुजारने के बाद सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे और 12 बजे फिर हम निकल जाएंगे मुडगरा गांव मानसेरा। इतनी हसीन जगह और इतने हसीन मौसम में मॉर्निंग वॉक करने का मज़ा ही अलग है। ये सारे होटल्स जो आप देख रहे हैं ये सारे होटल्स बने हुए हैं यहाँ पे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं और ये सामने जो सड़क जा रही है
ये सड़क चिलास तक जाती है और इसी सड़क के साथ साथ एक दरियाए कनार बह रहा है। मैं बालाघाट से निकल रहा हूँ और अब जा रहा हूँ मानसेरा, और मानसेरा के जो वो भी व्यू देखते हैं और वहाँ के व्यू देखते हैं कैसे हैं। तो जनाब मैं पहुँच चुका हूँ मानसेरा, और मानसेरा का जो ये गांव कहलाता है ये मुठ ग्राम कहलाता है। ठीक है भाई, तो जो मुठ ग्राम को जानते हैं वो तो पहचान जाएंगे, ये मुठ ग्राम गाँव है। तो मैं अब जा रहा हूँ इनकी ज़मीनें विज़िट करने के लिए, और ये जगह आप देख सकते हो कैसी जगह है। ये देखो ये जगह है, और ये जगह के साथ उतरते जाओ आप तो बहुत प्यारी जगह है माशाल्लाह से। ये पूरा गाँव है इनका। जनाब तो ये वो शादी जिसकी वजह से ये सारा प्रोग्राम बना। टोटल 4 घंटे में प्रोग्राम बना, और अगले 4 घंटे पे हम कराची से बस पे रवाना हो चुके थे, और उसके अगले 24 घंटे में इस्लामाबाद, और उसके अगले 24 घंटे बालाकोट सफ़र करने के बाद मानसेरा शादी में शिरकत की। और शादी में शिरकत के बाद ये फैसला हुआ कि अगले 24 घंटे इस्लामाबाद में गुजारे जाएं। तो इस्लामाबाद रात में ही वापस आ गए, और सुबह मॉर्निंग के वक्त फिर इस्लामाबाद को तय किया कि इस्लामाबाद थोड़ा घुमा जाए, और इस्लामाबाद आए, और इस्लामाबाद आने के बाद सेवर फूड ना जाए, ये कैसे हो सकता है। तो ये तय पाया कि भाई आज दिन का जो लंच है वो सेवर फूड में ही किया जाए। सेवर फूड में लंच करने के बाद इस्लामाबाद की जो कुछ जगहें हैं जो शाम में देखने के बाद पिंडी में स्टे किया जाए, और पिंडी से सुबह 6 बजे की जो है वो टिकट है हमारी, तो सुबह 6 बजे जो है वो हम फिर कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज की रात जो है वो हम पिंडी में गुजारेंगे। तो जनाब रात हो चुकी है और पिंडी भी पहुंच चुके हैं। पिंडी में खाना खाते हैं स्टेडियम रोड पे, और इस वक्त मौजूद हूँ मैं स्टेडियम रोड पे, यहाँ पे खाना खाएंगे और रात इसी जगह स्टोर होटल में जो है वो स्टे करेंगे, और सुबह 6 बजे इंशाल्लाह हम होंगे पिंडी स्टेशन पे। इस वक्त जो है वो पिंडी स्टेशन पहुंच चुका हूं, और अभी 7 बज रहे हैं। अपने वक्त पे 8 बजे वहाँ से बिल्कुल फिक्स चल पड़ी है, और पहला स्टॉप इसने जो है वो चकलाला किया है। चकलाला के बाद अभी गुज्जर खान 9 बजे पहुँची है, दूसरा स्टॉप किया है। चकलाला पे खाली 1 मिनट का स्टॉप था इनका, और गुज्जर खान पे जो है वो 2 मिनट का स्टॉप था। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कितने स्टॉप करती है और क्या टाइमिंग है। वैसे इसकी टाइमिंग तो ये है कि कराची 9:20 पर इंशाल्लाह पहुँच जाएगी, तो उस हिसाब से 25 घंटे बनते हैं, जो ऑलमोस्ट 25 घंटे में ये कराची होगी इंशाल्लाह। और ये देखें जनाब माशाल्लाह से बच्चों की पार्टी चल रही है, और बच्चों खूब इंजॉय कर रहे हैं। फाइनली
कराची में पहुंच चुका हूं और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और 12 बजे हम पहुंचे हैं यहां पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।